दोस्तों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं वंशिका। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस बात की चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार 3.0 में किन्हें मंत्री पद मिल सकता है, मोदी 3.0 कैबिनेट में किन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। इधर राजधानी दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आज राजधानी में वीवीआईपी मूवमेंट के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह और शाम के लिए ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया है। मोदी 3.0 में टीडीपी के राम मोहन नायडू, जनता दल यूनाइटेड के लल्लन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा और रामनाथ ठाकुर को जगह मिल सकती है, तो वहीं रामविलास पासवान से चिराग पासवान नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लल्लन सिंह या संजय झा में से किसी एक को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के किन सांसदों में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राधा मोहन दास, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, रामवीर सिंह भदोई, मनोहर लाल खट्टर, स्मृति ईरानी आदि सांसद जो हैं वो शामिल हैं। इस बार पूर्व सीएम कपूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और नांद्रा से सांसद कौशलेंद्र कुमार और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हम के मुखिया जीतन राम मांझी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लोजपा रामविलास पासवान से चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए ने 40 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल की है। एनडीए को 2024 लोकसभा चुनाव में 292 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी और 240 सीटों पर सिमट के रह गई थी। वहीं अगर बात विपक्षी दल एनडी गठबंधन की करें तो 234 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक 99 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 73 सीटें मिली थी। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी अपने पास कौन से मंत्रालय रखती है और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स।